इस वीडियो में हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये मिनिएचर लुक फ्रॉम द टाइटल सीक्वेंस ऑफ बंबई मेरी जान अब एक्चुअली में ये सीक्वेंस पूरा थ्री में क्रिएट किया गया बट मैं आपको ये सेम मिन इफेक्ट रियल फुटेज पे एड करके दिखाऊंगा विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी प्लग इन इन साइडी इसे अच्छे से समझने के लिए आई आल बी क्रिएटिंग दिस इफेक्ट ऑन मल्टीपल फुटेजेस एंड आई शो यू हाउ यू कैन क्रिएट अ डेप्थ मैप फॉर एनी ऑफ अफियर फुटेजेस जो कि इस इफेक्ट को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एंड नाउ बिफोर यू ओपन आफ्टर वैक्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने रिसेंटली अपना फर्स्ट एवर कोर्स अनाउंस किया है जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद आफ्टर वैक्स और इसमें मैं आफ्टर सॉफ्टवेयर को जीरो से हंड्रेड तक समझा देने वाला

बाय द वे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आप इस वीडियो में यूज करी जाने वाली सारी फुटेज को डाउनलोड कर सकते हो यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यहाँ मैंने अपनी पहली कॉम्पोजिश में ये मेट्रो की ड्रोन फुटेज ऐड करी है और अब इसको मिनिएचर वाली लुक देने के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे कैमरा लेंस ब्लर इफेक्ट एंड आई विल ड्रैग इट ऑन आवर फुटेज ये डिफॉल्ट से एक नॉर्मल ब्लर इफेक्ट की तरह ही काम करता है बट फ्रॉम हेयर वी कैन ऐड ब्लर मैप्स जिन्हें हम डेप्थ मैप्स भी कहते हैं अब यहाँ अगर हम अपनी फुटेज को देखें तो यहाँ ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स एक ही साइज की है तो हम यहाँ इसका काफी इजिली डेप्थ मैप क्रिएट कर सकते हैं बाई अ न्यू सॉलिड एयर रीनेम इट टू डेप्थ मैप और इसमें मैं ऐड करूंगा ग्रेडियंट रैम्प इफेक्ट और यहाँ इन पॉइंट से आई कैन चेंज द पोजिशन ऑफ दिस ग्रेडियंट मैं को अपनी फुटेज के नीचे रखूंगा और अब यहाँ इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके मैं अपने पॉइंटर्स को अपनी फुटेज की डेप्थ के हिसाब से सेट कर सकता हूं तो मैं अपने ब्लैक पॉइंट को अपनी फुटेज के होराइजन पर रखूंगा और अपने व्हाइट पॉइंट को यहाँ क्योंकि ये एरिया कैमरा से सबसे क्लोजेस्ट है और अब हम अपनी फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और इसके ब्लर मैप में ब्लर रेडियस तो अभी मुझे हमारा फोकस यहाँ पे लग रहा है इसे यहाँ फोकस करने के लिए वी कैन चेंज द ब्लर फोकस डिस्टेंस और हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपनी फुटेज पे कहाँ फोकस करना है एंड दैट इज प्रिडी मच इट इट इज आवर फर्स्ट मिनिएचर लुक व्हिच इज आल्सो नोन एज टिल्ट शिफ्ट इफेक्ट बट अभी एक दिक्कत है ये ग्रेडियंट वाला तरीका हमारी हर फुटेज पे काम नहीं करेगा सो लेट्स कम टू आर नेक्स्ट कॉम्पोजिशन यहाँ हमारी फुटेज की शुरुआत में काफी बड़ी बिल्डिंग्स है और बैकग्राउंड में काफी छोटी तो यहाँ अगर मैं इस सेम ग्रेडियंट वाले तरीके को यूज करूँ तो ये काफी अनरियलिस्टिक रिजल्ट देगा जैसे कि यहाँ हमारी बिल्डिंग को भी फोकस में रख रहा है जो की कैमरा के काफी पास है और इस रोड को भी जो कि इस कैमरा से काफी दूर है तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ डेप्थ मैप फ्रॉम दिस फुटेज तो वो करने के लिए आई यूज दिस थर्ड पार्टी प्लगइन कॉल्ड डेप्थ स्कैनर आइल फर्स्ट डुप्लीकेट दिस फुटेज एंड विल डिलीट दिस इफेक्ट फ्रॉम हियर एंड नाउ लेट्स ऐड दिस इफेक्ट और यहाँ इसे ऐड करते ही हमारी फुटेज एक डेप्थ मैप में कन्वर्ट हो जाएगी नाउ दिस प्लेन इज पेड बट डोंट वरी थोड़ी देर में आई शो यू हाउ यू कैन क्रिएट दिस सेम डेप्थ मैप फॉर फ्री मैं इस डेप्थ मैप को अपनी फुटेज के नीचे प्लेस कर दूंगा और अपनी फुटेज में आई चूज दिस डेप्थ मैप इंस्टेड ऑफ आर ग्रेडियंट एंड नाउ इज लुकिंग मच रियलिस्टिक दिस बिफोर जहां हमारी रोड भी फोकस में थी और अब इट्स ऑल आउट ऑफ फोकस अब अगर मैं इस फुटेज पे जूम इन करू तो यहाँ अपनी लाइट्स की शेप देख सकते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज बुकअप एक्चुअली मैं अलग अलग कैमरा लेंसेज अलग अलग शेप के बोका क्रिएट करते हैं तो अगर हम बंबई मेरी जान का टाइटल सीक्वेंस देखें तो यहाँ ये यह बोका थोड़ा ओवल शेप का है और यहाँ हमारी शेप है हेक्सागन क्योंकि यहाँ हमने हेक्सागन ही सिलेक्ट किया हुआ है ऑब्वियसली चेंज इट फ्रॉम एयर यहाँ हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है जैसे कि स्क्वायर पेंटागन डेकागन बट यहा हम जितनी ज्यादा साइड वाली शेप सिलेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा रेंडर टाइम भी बढ़ेगा यहाँ हम देख सकते हैं कि डेकागन में ये 1.17 पॉइंट में रेंडर हो रहा है और यहाँ ट्रायंगल चूज करने में ये सिर्फ 927 मिलीसेकंड्स में रेंडर होगा बट अगर हमें ओवल शेप ही क्रिएट करनी है तो हम लिटरली

और अब हम इन दोनों लेयर्स को मर्ज करेंगे एंड विल सेव दिस फाइल बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एस जैसे कि अपनी ओरिजिनल फाइल के साथ ही रिप्लेस हो जाएगा और अब हम अपने एक्शन की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं हियर इज आवर एक्शन दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड डेप्थ मैप अब ये एक्शन अपनी सारी इमेजेस पे अप्लाई करने के लिए विल गो टू फाइल्स ऑटोमेट एंड विल सेलेक्ट दिस बैच ऑप्शन हम यहां से अपना एक्शन चूज कर सकते हैं डेप्थ मैप और यहाँ से हम उस फोल्डर को चूज करेंगे जहाँ पे हमारा PNG सीक्वेंस रेंडर हुआ था एंड दैट सेट और अब यहाँ थोड़ा टाइम लगा के एक एक करके हमारी सारी पी को डेप्थ मैप में कन्वर्ट कर देगा एंड नाउ the processing इज डन वी कैन import दिस सीक्वेंस इन आफ्टर Effects। इसे इम्पोर्ट करने के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक करूंगा और यहाँ अपनी पहली इमेज को सिलेक्ट करके आई ए मेक श्योर की पी एनजी सीक्वेंस वाला ऑप्शन से चेकड है अब आफ्टर स डी फॉल्ट से थर्टी एफ पी एस पे इंपोर्ट होते हैं तो अगर आपकी फुटेज किसी और फ्रेम रेट पे है तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी प्रेस करके इसे इसकी ओरिजिनल फ्रेम रेट पे सेट कर सकते हो जैसे कि यहाँ हमारी ओरिजिनल फुटेज का फ्रेमरेट ट्वेंटी पॉइंट पे है सो एल मेक इट ट्वेंटी जीरो नाउ आई कैन एडिट इन माई कॉम्पोजिशन एंड यूज इट एज मैं तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा ना डोंट फोगेट टू चआउट माई फर्स्ट कोर्स अगेन द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब सी यू इन द नेक्स्ट मंथ